नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है, अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम भी पता नहीं कब हो जाए, कोई भरोसा नहीं है एग्ज़ाम का, है ना? क्योंकि अभी डेट तो नहीं आई है, मगर फिर भी एग्ज़ाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक, संविधान चल रहा है और संविधान के बहुत सारे पोर्शन हो चुके हैं यहाँ पर कम्प्लीट। आज का जो हमारा पोर्शन है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है अपना भारतीय संविधान, ठीक, भाग नौ। भाग नौ में क्या है उसको मैं बता रहा हूँ, फिर उसके कुछ आर्टिकल्स करेंगे और फिर डायरेक्ट आएंगे अपन एमसीक्यू में। क्लियर है? ठीक, चलो तो शुरुआत करते हैं अपन। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, समय बहुत कीमती है। तो भाग नौ आर्टिकल आपका पंचायती राज, आइए आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। ठीक, अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तथ्य में मैं आपको इसके कुछ कमेटी बता रहा हूँ, कमेटी में पूरे फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, कमेटी के कुछ एक एक दो दो पॉइंट बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी हम उसका पूरा डिटेलिंग जब मेंस करेंगे तब हम उसका पूरा डिटेलिंग करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहला है आपका पंचायत से संबंधित समितियाँ, इसमें बनंत राय मेहता समिति 1957, इसकी कुछ खूबियाँ बता देता हूँ मैं आपको। ठीक, तो इस समिति का गठन किया गया था पंचायत के लिए। क्लियर? ओके, और इसने क्या किया था कि इसने कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें से इसने एक सुझाव दिया था कि पंचायत का स्तर कैसा होना चाहिए। तीन स्तर होना चाहिए, एक जिला, जनपद और ग्राम। ठीक, तीन स्तर होना चाहिए इसने कहा था। इसके कहने के बाद क्या किया गया कि इसकी समिति के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की स्थापना की गई। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई? तो राजस्थान में शुरू हुई। इसके बाद राजस्थान के बाद आया आंध्र प्रदेश, ठीक, और उसके बाद आया आपका पश्चिम बंगाल, एक सीक्वेंस के साथ कि पहले राजस्थान ने उसको लागू किया, फिर आंध्र प्रदेश ने लागू किया, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल ने। चूंकि एक समिति थी, उसकी एक केवल सिफारिश बस थी, ठीक है, फिर भी क्या किया गया कि अलग अलग राज्यों ने, जैसे इसने तीन स्तर कहा तो अलग अलग राज्यों ने कोई चार रखा, कोई पाँच रखा, मतलब पूरा स्तर की क्या कर दिए, ऊपर नीचे कर दिया गया। ठीक है, ओके। इसके बाद इसी के बेटे की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति, ये आई 1977 में। क्लियर? उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी थे, मुरारजी देसाई, उनकी प्रधानमंत्री के समय में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने भी कुछ सिफारिश की, इसके दो महत्वपूर्ण सिफारिश ये थे कि पहला, इसने दो स्तर कहा, दो स्तर होना चाहिए, और इसने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को क्या करना चाहिए, पंचायत चुनाव में भाग लेना चाहिए। तो राजनीतिक पार्टियों को पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए कहा था किसने, अशोक मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी, बट सरकार अल्पमत में चल दी तो समिति की सिफारिश लागू ही नहीं हो पाई। क्लियर है? इसके बाद एक समिति आई जिसका नाम था जीवी के राव समिति, यह 1985 में आई। इसने भी दो महत्वपूर्ण बातें कही। इसने पहली बात कही कि इसने आरक्षण के मुद्दा उठाया कि पंचायत में क्या होना चाहिए, आरक्षण, और दूसरा इसने ग्राम सभा के गठन की बात कही। ठीक, क्लियर, आरक्षण का मुद्दा और ग्राम सभा के गठन की बात की किसने की, जीवी के राव समिति ने, जो आई 1985 में। ठीक, इसके बाद आया सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसका नाम था सिंघवी कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। इस समिति की सिफारिश थी कि अभी तक पंचायत के लिए जो जो समितियां बन रही थी वो ठीक से, मतलब इस तरीके से नहीं बन पा रही थी कि उसको लागू किया जाए और पंचायत को सफल बनाया जाए। इसने कहा कुछ मत करो, ज़्यादा लफड़ा मत पालो, ठीक, ज़्यादा ये मत लागू करो, वो मत करो, वो सब कुछ मत करो, चुपचाप संविधान को, सॉरी, पंचायत को उठाओ और उठा करके किस में फेंक दो, किस में डाल दो, पंचायत संविधान में डाल दो। पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही किसने, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। इसने कहा पंचायत को सफल बनाना है तो आप इसको चुपचाप संविधान में लागू कर दीजिए, संविधान में इसको लागू कर देंगे तो हर राज्य संविधान के विपरीत तो जाएगा नहीं, ठीक, तो संविधान के अनुसार ही वो पंचायत को लागू करेगा। तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा, पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही किसने, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने। क्लियर है? ठीक, और उसके बाद पी के थुंगन कमेटी, केवल इसका नाम याद रखो, 1988 में। क्लियर, इतनी बातें याद रखनी समिति के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990
2। ठीक, तो जब सिंघवी कमेटी ने कहा तो सिंघवी कमेटी के कहने के बाद 64 संविधान संशोधन 1989 लाया गया, बट उस समय इसको लागू नहीं कर पाए। क्लियर। फिर उसके बाद समय बढ़ता गया, 3 साल में 3 प्रधानमंत्री आए, कोई भी कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाए इसको लेकर के। फिर बाद में आए पीवी नरसिम्हा राव, तो उन्होंने 73 संविधान संशोधन 1992 पेश किया संसद में, और उसके बाद इसे संसद से पारित करने के पश्चात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ इसमें, ओके, और 24 अप्रैल 1993 को इसको क्या कर दिया गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, और इसे संविधान में रखा गया भाग 9 आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, अनुसूची दी गई 11वीं अनुसूची में रखा गया, और इसको 29 विषय सौंपे गए। ठीक है, क्लियर, ओके। तो संविधान में इसको रखा गया। अब इसके आर्टिकल बता रहा हूं, मेन पॉइंट बता रहा हूं आर्टिकल्स के, क्लियर, फिर उसका डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो अब देखो आर्टिकल, तो आर्टिकल 243, तो आर्टिकल 243 किसके बारे में बोलता है, पंचायत की परिभाषा या पंचायत के बारे में बात करता है। ठीक, ओके। आर्टिकल 243A ग्राम सभा के गठन की बात करता है। ठीक, आर्टिकल 243B पंचायत के गठन की बात, आर्टिकल 243C पंचायत की संरचना कैसी होगी, तो संरचना 3 स्तर की होगी, एक जिला, एक जनपद और एक ग्राम। ठीक, 3 स्तर होगा आर्टिकल 243C किसके बारे में बोलता है, संरचना के बारे में। 243 पंचायत की परिभाषा, ए ग्राम सभा का गठन, बी पंचायत का गठन, सी पंचायत की संरचना। ठीक, उसके बाद 243D आरक्षण, तो 2 लोगों के आरक्षण की बात, एक SC ST इनको जनसंख्या के आधार पर बोला, और दूसरा महिलाओं को। ठीक, ST ST को कैसे मिलेगा आरक्षण, उनके जनसंख्या के आधार पर। क्लियर, और महिलाओं को बोला गया है 1/3, मतलब 33% आरक्षण की बात की गई है संविधान के द्वारा पंचायत में महिलाओं को। मगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया CG गवर्नमेंट ने। कितना परसेंट, 50% आरक्षण दिया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 243E, तो 243E बोलता है कार्यकाल या अवधि, तो शपथ ग्रहण से 5 साल तक, शपथ ग्रहण के 5 साल तक रहेगा इसका। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 243F, तो योग्यता, योग्यता तो बहुत कुछ है, क्लियर, बाकी मैं एक ही बता रहा हूँ यहाँ पर। बस योग्यता यह है कि अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है, स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ना है, ठीक, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे अधिक, चाहे आप पंचायत का चुनाव लड़ो, चाहे आप स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ो, ठीक है, जिसमें नगर निगम हो, चाहे जिसमें पार्षद का जो भी चुनाव हो, ठीक है ना, पूरा स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नमेंट का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या उससे अधिक। ठीक, क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद जी बोलता है शक्ति और अधिकार, तो पंचायत को जो शक्ति या अधिकार दिया गया उसके बारे में बात करता है, कौन सा आर्टिकल, 243G, क्लियर है। उसके बाद 243H बोलता है कर लगाने की शक्ति या वसूलने की शक्ति, कर लगाने या वसूलने का अधिकार किसको, पंचायतों को। ठीक, कौन सा आर्टिकल है, 243H। इसके बाद बोलता है 243I, तो 243I किसके बारे में बोलता है, राज्य वित्त आयोग। ठीक, इसका गठन करेगा राज्यपाल, मतलब इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, 5 साल के लिए होगा ये, और इसका कार्य क्या होगा, राज्य सरकार व स्थानीय निकायों के मध्य वित्त या कर का बंटवारा। ठीक,
क्लियर, किसका बंटवारा, वित्त या कर का बंटवारा करा जाएगा आर्टिकल 243 I के तहत, जो राज्य वित्त आयोग होगा उसके द्वारा, ठीक है। जैसे आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 बोलते हैं केंद्रीय वित्त आयोग, और उसका काम क्या है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य वित्त का बंटवारा करना, ठीक है। तो वैसे ही राज्य और स्थानीय निकाय लोकल गवर्नमेंट के बीच वित्त का बंटवारा कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग करेगा, क्लियर। उसके बाद आर्टिकल 243J, तो आर्टिकल 243J बोलता है अंकेक्षण, जैसे केंद्र में है ना CAG, वैसे ही राज्य के लिए क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, ऑडिटर होगा। किसके लिए, लोकल गवर्नमेंट के खातों की जांच वांच करने के लिए क्या होगा, एक ऑडिटर होगा जिसको बोला जाएगा अंकेक्षण, क्लियर। तो ये आर्टिकल 243J। उसके बाद आर्टिकल 243K ये बोलता है राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग है तो राज्य निर्वाचन आयोग इसके नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और ये क्या काम करेगा, ये स्थानीय निकायों का चुनाव करवाएगा, सिर्फ यही काम करेगा ये, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग, कि स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना इसकी जिम्मेदारी है। जैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग उसका काम है लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभा का चुनाव करवाना, वैसे ही स्थानीय निकायों का चुनाव कौन करवाता है, अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, कि पंचायत का चुनाव कौन करवाएगा, तो आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग, क्लियर है, ठीक। तो 243 कौन सा, के, क्लियर। फिर उसके बाद 243L, तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत से संबंधित प्रावधान के बारे में आपका 243L, ठीक। उसके बाद 243M, तो 243M बोलता है कहां लागू नहीं होगा, तो जहां गांव नहीं होगा वहां नहीं होगा। तो भारत में दो राज्य हैं जहां गांव नहीं है, एक गोवा और एक सिक्किम, तो गोवा सिक्किम को छोड़ करके पूरे भारत में ये लागू होगा, ठीक है। गोवा सिक्किम में पूरा का पूरा शहर है, गांव नहीं है, तो वहां पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 243N, तो ये बोलता है पंचायत के नियमों का बना रहना, ठीक। और उसके बाद 243O, तो निर्वाचन संबंधित विवाद, न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। अगर पंचायत में निर्वाचन संबंधित कोई मैटर आता है, विवाद आता है, तो उसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते, इसका निपटारा राज्य सरकार करेगी, ठीक है। तो निर्वाचन संबंधित विवाद न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है आर्टिकल 243O के तहत, क्लियर, ठीक, ओके। चलो इतना हो गया आर्टिकल, एक बार रिपीट कर देता हूँ, 243 पंचायत की परिभाषा, 243A ग्राम सभा का गठन, 243B पंचायत का गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, ई कार्यकाल, एफ योग्यता, जी शक्ति, एच कर लगाने की शक्ति, आई राज्य वित्त आयोग, जे अंकेक्षण, के राज्य निर्वाचन आयोग, एल केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, एम कहां लागू नहीं होगा, एन नियमों का बना रहना, और ओ न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, क्लियर, ठीक। चलो अब देखो इसका MCQ, आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछता है ना, ठीक, क्लियर। तो आर्टिकल से क्वेश्चन देख लेना। अब देखो MCQ जो इसमें है ना, वो बहुत सरल MCQ है, एकदम वन लाइनर MCQ रखा हूँ मैं, ठीक, एकदम सरल क्वेश्चन रखा हूँ, कोई हार्ड नहीं रखा हूँ। मगर जब इसका पार्ट टू बनेगा ना, जब इसका पार्ट टू बनाऊंगा, इसके पार्ट टू में मैंने क्या किया है कि नगर निगम मतलब नगरीय निकाय और पंचायत, उन दोनों के क्वेश्चन डाला हूँ, वो भी पूरे कूट वाले, वो लेवल हाई है, वहां और मजा आएगा उसको पढ़ने में, क्योंकि पूरा कूट वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर सरल सरल क्वेश्चन करते हैं, और उस सेकंड वीडियो में आपको एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, बहुत मजा आएगा उसको बनाने में, ठीक है, और उसमें तो आप लोग को बनाना ही पड़ेगा, ठीक, क्लियर है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, पहला क्वेश्चन है, सरपंच, ग्राम सेवक, दलपति, मुखिया, तो देखो आंसर होगा सरपंच, मगर क्या है ना, कहीं कहीं पढ़ना ग्राम पंचायत का मुखिया को, ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया भी कहा जाता है कई कई राज्यों में, कई कई राज्यों में होता है, ठीक है, क्लियर। मगर यहाँ पर मुख्य रूप से ग्राम पंचायत का अगर प्रमुख पूछा है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के बेस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सरपंच लेंगे, हमारे यहाँ मेन सरपंच ही होता है,
ठीक है, क्लियर। हम लोग मुख्य वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर करते हैं, क्लियर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरपंच। हाँ, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में सरपंच ऑप्शन में नहीं है, मुखिया है, तो आप मुखिया आंसर ले सकते हो। ठीक है, अगर सरपंच ऑप्शन में नहीं है तो, क्लियर। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, मुखिया, सरपंच, मेयर और अध्यक्ष। तो इसका आंसर सिंपल सा है, कौन सा, अध्यक्ष। जिला परिषद का कौन होगा प्रधान, अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, चुनाव होता है उसका इनडायरेक्ट रूप से, क्लियर। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में किसके द्वारा विद्युतीकरण को बेहतर और सस्ती दरों पर किया जा सकता है, कोयला ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली अगर लाना है तो उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है, पूछ रहा है। सिंपल सा बात है, देश में अभी चल रहा है कोयले का संकट, और नहीं भी चल रहा होता तो भी, ठीक, थर्मल पावर लगाना पड़ता, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कॉस्टली है, ठीक, पता नहीं कब लगेगा, कब शुरू होगा, तो बहुत कॉस्टली है वो, तो हमको तो उतना प्रिफेयर करना नहीं, हमको तो सस्ता सुंदर टिकाऊ चीज चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, क्लियर है। दूसरा है आपका कौन सा, बायोगैस, ये भी बहुत महंगा है, बहुत सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसका, क्लियर, तो महंगा तो रखना ही नहीं, ऐसा सुंदर चीज़ लाना है, सस्ता लाना है, ताकि हमें आसानी से वो चीज़ प्राप्त हो सके, उसमें ज़्यादा खर्चा भी ना आए। तो बायोगैस और कोयला दोनों तो खत्म, परमाणु ऊर्जा तो भूल ही जाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करेंगे, शहर क्षेत्रों में तो हो नहीं पा रहा है ठीक से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा से कहाँ से बिजली पैदा करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन है, और वो है सौर ऊर्जा। कुछ नहीं करना है, घर के बाहर लगा देना है, सूरज अपने आप रोशन देते रहेगा और आपके घर बिजली आती रहेगी। सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, सोलर पंप जो बांट रहा है, ठीक। तो सबसे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ ऑप्शन क्या है इसमें, सौर ऊर्जा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है, एक ही आंसर है इसका, कहाँ, हैदराबाद में है, ये आंसर इज सी। क्लियर, बोला हूँ ना, सरल क्वेश्चन है, वन लाइनर है, पहले इसके थोड़ा सरल सरल चीज़ों को देख लेते हैं, सेकंड वीडियो जो है ना हालत खराब होगी, देखना, एकदम खतरनाक क्वेश्चन रखा हूँ, एकदम खतरनाक क्वेश्चन, मजा आएगा उसको पढ़ने में, क्लियर, मजा तो इसमें भी आएगा। जे सी कुमारप्पा ने एक रूपरेखा प्रस्तावित की थी, जिसमें निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया था। जे सी कुमारप्पा जो थे वो गांधीवादी थे, गांधी जी के समर्थक थे, ठीक है, क्लियर, उन्हीं के विचारों पर चलते थे। तो उन्होंने इसी धारणा को रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी वो किससे संबंधित थी, ऑप्शन देखते हैं, श्वेत क्रांति, बांधों का निर्माण, हरित क्रांति, ग्रामीण औद्योगिकरण। चूंकि गांधी जी के समर्थक थे, गांधीवादी थे, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी रूपरेखा तैयार की थी, ग्रामीण औद्योगिकरण की रूपरेखा तैयार की थी, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। चलो नेक्स्ट, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर, आंसर तो मैं बताऊंगा, मगर छत्तीसगढ़ में जमाबंदी प्रथा किसने लागू की थी, ठीक, ये आप बताओगे कमेंट्स बॉक्स में मेरे को आंसर, कि जमाबंदी प्रथा किसने लागू की थी छत्तीसगढ़ में, क्लियर है, ये आंसर आप देंगे कमेंट्स बॉक्स में, सब दिया करो आंसर, है ना। देखता हूं मैं, मतलब कुछ ही लोग केवल आते हैं और वीडियो देख के निकल जाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, तैयारी सब कर रहे हो ना, तो सब क्यों नहीं उसको देखते, सब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कुछ ही लोग आएंगे, ठीक, देखेंगे, आंसर देंगे, चल देंगे। ध्यान रखो, सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर ये मौका मिला है ना तो उसको गवाओ मत, क्लियर, वरना एक ही चीज बचेगा, ठीक, या तो माँ बाप शादी कर देंगे, तो वैसे भी करेंगे, कुछ नहीं बनोगे तो भी करेंगे ही शादी, क्लियर है। तो क्या चाह रहे हो, बिना कुछ बने शादी कर लें, कोई मतलब नहीं। बीवी भी जब मांगेगी ना महीने के अंत में कि यार मेरे को दो पैसा दो, खर्चा करना है, तो बोल दोगे नहीं है ना, तो वही मुंह लटका लेगी, लड़ाई झगड़ा शुरू घर में, तो भैया ये नौबत ही ना आए ना, इसलिए पढ़ लो, पोस्ट पा लो और निकल लो, क्लियर। हाँ, तो देखा करो वीडियो को और पढ़ो, मजाक मत करो, समय बार बार नहीं आएगा, 10 बार बता रहा हूं, नहीं रिपीट होगा समय, अगर ये समय गवाए तो गया, ठीक। तो सब देखो वीडियो को और सब आंसर दिया करो, ठीक है, क्लियर है।
चलो, तो जमाबंदी प्रथा कौन लागू किया था छत्तीसगढ़ में, ये आप बताएंगे। ये क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट, भू अधिकारों के प्रलेख, पटवारी के नक्शे के कपड़े की कॉपी, कोई फालतू बातें नहीं। आंसर सीधा है, जमाबंदी आपका भू अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर इज सी होगा इसका। ओके, क्लियर है। जमाबंदी कौन लागू किया, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। ठीक है, चलो। पंचायती राज संस्था किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो सीधा सा सीधा आंसर है 73, 74, 1992। क्लियर, तो आंसर इज डी। क्लियर, ठीक है, चलो देखते हैं। वित्त आयोग से प्राप्त, हाँ इसका भी आंसर आप ही लोग दोगे मेरे को। मैं तो हमेशा बोला हूं ना, दो क्वेश्चन छोड़ूंगा, दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे को, फिर मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को कि सही है कि नहीं है। क्लियर है। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, जिला परिषद होगा, पंचायत समिति होगा, ग्राम पंचायत होगा कि कलेक्टर होगा। कि वित्त आयोग से जो पैसा मिलता है, अनुदान मिलता है ना, तो पंचायती राज संस्थाओं को किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, ठीक, कौन पहुंचाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, नाम लिख करके बताएंगे, ए बी सी डी मत लिखना, ठीक, सीधा नाम लिखना कि वो पंचायत, जिला पंचायत होगा, सॉरी जिला परिषद होगा, पंचायत समिति होगा, ग्राम पंचायत होगा कि कलेक्टर होगा। क्लियर, ओके, सब देना आंसर, ठीक है, चलो। इनमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पूछा है कि कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है, पंचायती राज व्यवस्था बोला है, संवैधानिक प्रावधान वाला नहीं बोला है, तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था आपका कौन सा, राजस्थान, जहां 2 अक्टूबर 1959 को जिला नौगौर में क्या किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तीन स्तरीय। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक, चलो नेक्स्ट। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, बिल्कुल नहीं कर सकता, केंद्र सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है, पंचायत समिति के अध्यक्ष तो कहीं दूर दूर के नहीं रहते, तो जिला पंचायत को मात्र सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही क्या कर सकती है, भंग कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता, ठीक, कौन भंग कर सकती है, सिर्फ राज्य सरकार भंग कर सकती है। क्लियर है, चलिए देखते हैं आगे। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या शामिल नहीं है, मतलब जो तीन स्तर है रखा गया पंचायत का, उसमें कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो देखते हैं कौन शामिल नहीं है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ठीक, तो जिला स्तर पर जिला परिषद चल दिया, जनपद स्तर पर पंचायत समिति चल दी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत चल दिया, क्या बच गया आपका, ग्राम समिति, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम समिति तीन स्तर में शामिल नहीं होती, ठीक, चलो नेक्स्ट। 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर नियुक्त समिति का नाम बताइए, तो 1986 में राजीव गांधी ने जो लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं में जो समिति बनाई थी उसका नाम बताना है, तो अशोक मेहता समिति आई थी 1977, ठीक, जी वी के राव 1985, बलवंतराय मेहता 1957, ये चल देगा एल एम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, तो आंसर इज बी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, स्थानीय बाजारों की स्थापना और रख रखाव, परिवहन सुविधाएं, संक्रामक रोगों की रोकथाम, गांव की गलियों की रोशनी करना, तो गांव की गलियों की रोशनी करना ही है, 29 विषयों में शामिल है वो, स्थानीय बाजारों को है वो भी है, रोग फैला है तो उसको भी रोकना है, परिवहन सुविधाएं नहीं देगी कि अगर तुमको मार्केट जाना है तो सरपंच नहीं बोलेगा कि रुक जाओ तुम्हारे लिए गाड़ी का बंदोबस्त करता हूं मैं, घूमने जाना है बीबी के साथ तो नहीं बोलेगा कि रुक जाओ तुम्हारे लिए गाड़ी का बंदोबस्त करता हूं मैं, तो परिवहन सुविधाएं नहीं है ग्राम पंचायत या पंचायतों का काम, ठीक, क्लियर है, चलो सिंपल है। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो जब लागू होगा उसी दिन, तो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती दिवस मनाया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन, हाँ इसका भी आंसर आप ही लोग दोगे, अब ये मत बोलना सर हार्ड क्वेश्चन को तो आंसर हम लोग दे रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि पढ़ाई कर रहे हो, जब हार्ड क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी तो लगेगा ना भैया कि पढ़ाई कर रहे हो, पर जब पढ़ोगे ही नहीं तब तो पता चलेगा मेरे को भी ना, आंसर दोगे तो कि हाँ सीरियस हो, गंभीर हो,
100-200 लोग आते हैं, देख करके निकल जाते हैं, क्या मतलब? इससे अच्छा कोई मतलब नहीं है फिर वो टाइम पास करने का। ठीक है, सीरियस हो तो सीरियस की तरह पढ़ाई करो, ठीक है, ओके, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है यार पढ़ने उड़ने का। ठीक, एक शायरी है, बहुत सुंदर शायरी है। ठीक, शायरी ये है कि तुम्हें मेहनत करना नहीं आता, मुझे मेहनत के सिवा कुछ नहीं आता, दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुम्हें नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। समझ में आ रहा है? ठीक, तो मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे कोई मतलब नहीं होगा फिर पढ़ने का। पोस्ट कैसे पाओगे? कैसे दो ठोक तारे लगाना है ना कांधे पर, है ना, तो बस मेहनत करो, ओके, और शायरी को समझो जो बोला हूँ तो ही पढ़ पाओगे, ओके, पढ़ो उसको। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर भी आप ही लोग दोगे। ऑप्शन देखते हैं, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996 के पंचायत विस्तार के उद्देश्यों में से नहीं है, मतलब पंचायत विस्तार के लिए जो बनाया गया था अधिनियम उसका, मतलब सॉरी, अनुसूचित जनजाति के लिए जो अधिनियम बनाया गया था 1996 में, ठीक, उसमें से कौन सा पंचायत का उद्देश्य, पंचायतों के लिए वो उद्देश्य नहीं है? ठीक, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आदिवासी आबादी को स्वशासन प्रदान करना, आदिवासी समुदायों को परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करना, आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना, अनुसूचित क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ विस्तारित करने के लिए। ठीक, तो विस्तारित करने के लिए इसको नहीं रखा गया था, क्लियर है? बाकी आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएंगे, ओके, दो का आंसर दोगे फिर मैं उसका वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा आंसर को। ठीक, चलो नेक्स्ट। समय से पहले पंचायत भंग होने पर कितने समय में चुनाव का प्रावधान है? 5 वर्ष 5 माह 6 वर्ष 6 माह। तो चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, समय से पहले अगर भंग होगा 6 माह तो उसको 6 माह के अंदर क्या कराना पड़ेगा? अनिवार्य रूप से कराना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर बात यह है कि मान लो कोई सरपंच है या जो भी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ठीक, वो 5 साल के लिए गठित हुई, 3 साल उसने अच्छा काम किया, अब अचानक से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस पंचायत को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। फिर उसके लिए चुनाव होगा, ठीक, उसी समय, क्योंकि तुरंत बनाना है सरकार, तो 3 साल के लिए जिसने शासन किया है, तो बाकी का जो 2 साल बचेगा ना, तो नया जो ग्राम पंचायत गठित होगा, नए जो लोग आएंगे, वो केवल बचे हुए समय के लिए ही आएंगे। मतलब 3 साल इसने कर लिया, तो जो नए लोग का गठन होगा ना, जो नए लोग आएंगे वो कितने साल के लिए आएंगे? बचे हुए 2 साल के लिए, बचे हुए कार्यकाल के लिए ही क्या होंगे? गठित होंगे। और जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा बचा हुआ, तो फिर से चुनाव होगा, और अगर वो लोग आए तो फिर 5 साल फिर से रहेंगे। तो बचे हुए समय के लिए ही क्या होगा? वो आएंगे। ठीक, अगर समय से पहले भंग हो गया क्या बोलते हैं पंचायत, तो क्लियर है, एकदम ध्यान देना इस बात को, किसके लिए? बचे हुए समय के लिए आएंगे, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पंचायती राज संबंधित अधिनियम कब बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बनाया गया था कब? जब लागू हुआ था 1993 में। ठीक, क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय अलग राज्य नहीं था, मध्य प्रदेश में ही शामिल था, तो मध्य प्रदेश के लिए बना, तो डायरेक्टली किसके लिए भी बन गया? छत्तीसगढ़ के लिए भी बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1993 ही होगा। ठीक, क्योंकि मध्य प्रदेश क्या उस समय वो हिस्सा था, क्लियर है? तो आंसर 1993 होगा। चलो नेक्स्ट, ग्राम सभा का प्रावधान है कौन से आर्टिकल में? 243 ए बी एच जी। ठीक, तो 243 ए क्या है आपका? ग्राम सभा। बी क्या है? पंचायत का गठन। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एच। जी क्या है? शक्ति। और एच क्या है? कर लगाने की शक्ति। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, 243 ए आंसर होगा, क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 24 अप्रैल 1993, एकदम सरल क्वेश्चन। ठीक, फटाफट फटाफट खत्म करो, उसके बाद फिर सेकंड वीडियो में जिसमें एकदम हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर 24 अप्रैल 1993। छत्तीसगढ़ में पंचायत में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है? बता चुका हूं मैं, संविधान के द्वारा 33% है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना दे दिया है? 50% दे दिया है पंचायत में महिलाओं को आरक्षण, क्लियर? चलो
ठीक ओके, तो खत्म हो गया था, ठीक समझ में आ गया यहाँ तक, एकदम सरल क्वेश्चन था, ठीक। दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे और एक क्वेश्चन और पूछा हूं मैं, जमाबंदी छत्तीसगढ़ में किसने लागू की, ये तीन आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्लियर है, ठीक ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में पंचायत और नगर निगम दोनों के क्वेश्चन रहेंगे और पूरे के पूरे कूट वाले हैं वो, वहां एक भी सरल क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो क्वेश्चन है जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है पंचायत में, क्योंकि व्यापम ले रहा है एग्जाम, आ चुका है पेपर में कि व्यापम लेगा एसआई का एग्जाम, ठीक है। तो पंचायत के क्वेश्चन उसके लेवल बहुत हाई होते हैं, बहुत कूट वाले क्वेश्चन वो ज्यादा पूछता है, तो सेकंड वीडियो में पूरा कूट वाला है, सरल भी हमारा तैयार हो जाएगा और उधर से फिर हम कूट वाला करेंगे तो वो भी तैयार हो जाएगा, मतलब दोनों तरीके से हम क्वेश्चन के लेवल को तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं, जाने से पहले एक बार धन्यवाद बोल दो सबके सब, थैंक यू सो मच ओके। तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एकदम सीरियस हो जाओ, ठीक, बिल्कुल मजाक मत करो, एकदम गंभीर हो जाओ, क्लियर है, क्योंकि आर या पार, पैदल या कार, ठीक, थैंक यू सो मच।